आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF और पुलिस ने दो गोदामों पर छापा मारकर लाखों रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी हैं। यह कार्रवाई दवा माफिया के एक गुर्गे को पकड़ने के बाद उसकी निशानदेही पर की गई। यह कार्रवाई ANTF और थाना जगदीशपुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से की। दोनों गोदामों में बड़ी मात्रा में ऑसिरेक्स सीरप का जखीरा बरामद किया गया है। दवा माफिया विजय गोयल के गुर्गे के बिचपुरी क्षेत्र में दुकान और मकान किराए पर लेकर यहां गोदाम बना रखा था। पुलिस और ANTF की टीम ने छापे के बाद आगरा के दवा बाजार में भी हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि दवा माफिया विजय गोयल के तार आगरा दवा बाजार के व्यापारियों से जुड़े हैं। इसमें कई दवा व्यापारियों के इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ANTF के डिप्टी SP इरफान नासिर खान ने बताया कि भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। ड्रग विभाग ने इनकी कीमत 12 लाख से ऊपर बताई है। पूर्व में जो कार्रवाई की गई थी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और आगरा पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा, उसी क्रम में आज जो है छापेमारी की गई है, जहाँ पर जो है दो गोदाम बरामद हुए हैं, जिसमें जो है प्रतिबंधित मादक दवाएं और सीरप, कोडीन सीरप बरामद हुए हैं। इसमें जो है SOG और थाना स्तर से और ANTF की टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है। हाँ, उसी क्रम में ही ये कार्रवाई की जा रही थी और ऑलरेडी हमारी टीम और ज्वाइंटली जो ऑपरेशन कर रही थी, जिसमें ये चीज आज जो है दबिश के दौरान बरामद हुई है।